बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीहूरिया ब्यूटी सीक्रेट आइडियाज़ में। सो गाइस, आज की इस वीडियो में सबसे पहले तो मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी डिफरेंट सिंपल और इफ़ेक्टिव एलोवेरा रेसिपीज़ फॉर ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, एंटी एक्ने स्किन, हर तरह के लिहाज से वीडियो शेयर करने वाली हूँ। और बहुत ज़बरदस्त रेमिडीज़ हैं और इफ़ेक्टिव भी हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो सबसे पहले जो स्किन जो है एंटी यानी कि एक्ने स्किन के लिए रेमेडी है, सबसे पहले आप लोगों ने एलोवेरा जेल ले लेना है। एलोवेरा जेल लेकर उसके बाद आप लोगों ने उसमें डालना है 1 टीस्पून ही मुल्तानी मिट्टी, यानी कि जिसे क्ले भी कह सकते हैं, क्ले पाउडर, मुल्तानी मिट्टी पाउडर जो आप लोगों को पंसारी की शॉप से इजीली मिल जाएगा। और 1 टीस्पून इसमें आप लोगों ने फ्री टी ऑयल डालना है, यानी कि दरख्त यानी कि चाय, जो दरख्त की चाय की पत्ती होती है उसका ऑयल ले लेना है। अगर नहीं भी है तो आप थोड़ी सी चाय की पत्ती ले लें जो आप लोग आम घर में यूज़ करते हैं, उसे लेकर आप लोगों ने इसे अच्छा सा पेस्ट बना लेना है और स्किन पर अप्लाई कर लेना है। तो आप एलोवेरा फॉर जो है आप लोगों की स्किन को टाइट करने भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। और यहाँ पे बात आ जाती है एलोवेरा फॉर ड्राई यानी कि स्किन के लिए आप लोग कैसे यूज़ करें। सबसे पहले आप लोगों ने इसमें ले लेना है 1 टीस्पून एलोवेरा, 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल एंड 1 टीस्पून हनी से मिक्स करके आप लोगों ने इसे 10 मिनट तक अपने फेस पर लगा कर हल्के हल्के हाथ से क्लेंजिंग करनी है। आपने इसको बिल्कुल लगा कर नहीं छोड़ना है और ड्राई स्किन को ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट करेगा, मॉइस्चराइज करेगा और अच्छी सी ग्लो भी लाएगा। और फॉर ऑयली स्किन के लिए एलोवेरा आप यूज़ करेंगे 1 टीस्पून एलोवेरा जेल, 1 टीस्पून आलमंड ऑयल एंड 1 टीस्पून लेमन जूस। आप लोगों ने ये अच्छे से मिक्स कर कर अपनी स्किन पर अप्लाई करना है। ऑयली स्किन को जितना भी ऑयल है उसको कवर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। साथ साथ ऑयल जो है आप लोगों की स्किन पे क्यों होता है, जिनकी बहुत ज़्यादा या तो एंटी एक्ने स्किन होती है या तो उनकी स्किन के और पोर्स बहुत ज़्यादा ओपन हुए होते हैं, तो भी इसकी वजह से आप लोगों का डस्ट अंदर जा रही होती है। बाहर आप जब भी कोई मॉइस्चराइज़र क्रीम वगैरह नहीं लगाए वगैरह ऐसे ही चले जाते हैं तो डस्ट आप लोगों के पोर्स ओपन हुए होते हैं, डस्ट अंदर जा रही होती है, इससे आप लोगों की एक्ने भी बन जाती है। तो इसके लिए एक्ने के लिए मैंने आप लोगों को ऊपर सबसे जो बता दिया है पहले ही कि कौन सी रेमेडी आप लोग एक्ने के लिए यूज़ करें। तो अब बात आती है डार्क स्पॉट्स के लिए। डार्क स्पॉट्स स्किन के लिए आप लोगों ने 1 टीस्पून एलोवेरा जेल ले लेना है, 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी और 1 टीस्पून आप लोगों ने लेमन जूस ले लेना है। ऐसा अच्छा सा इसे आप लोगों ने फेस पर लगाकर, फेस पैक है, मास्क के तौर पर लगाकर छोड़ देना है। ड्राई होने के बाद आप लोगों ने इसे उतार लेना है, वॉश कर लेना है। फिर इसके बाद बात आती है यहाँ पर आप लोग जो है ग्लोइंग स्किन के लिए क्या एलोवेरा में क्या मिक्स कर पेस्ट बनाकर यूज़ करें। तो इसमें आप लोगों ने 1 टीस्पून एलोवेरा जेल लेना है, 1 टीस्पून कोकोनट ऑयल ले लेना है और 1 टीस्पून हनी ले लेना है। इसका पेस्ट बनाकर आप लोगों ने अपनी स्किन पर लगाना है और इसे अच्छा सा क्लींस करना है। क्लींस कर कर आप लोग इसे किसी भी कॉटन या टिश्यू की मदद से क्लीन कर लें। क्लीन करने के बाद आप लोग खुद देखेंगे आप लोगों के फेस पर कितना ज़बरदस्त ग्लो आया है। तो आप लोगों के साथ ये जो मेरी 7 होम मेड रेमेडीज थी और बहुत ईजी थी और इफ़ेक्टिव भी है, पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।